बजरी का दोहन हो रहा है, पुलिस की मिली भगत से हो रहा है, तो कुछ समस्याएं दो या तीन बार रिपीट हो गई, तो उस बारे में हमें अभी माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करनी पड़ेगी। SC ST के कोई मुकदमे थे, 2 अप्रैल की जो घटना हुई थी 2017 में, उनका निस्तारण नहीं हो पाया है। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा। रमेश जी, पिछले दिनों जन सुनवाई में एक खासा भीड़ हमको देखने को मिली, क्या आपके डिपार्टमेंट की ही भीड़ थी या केवल रमेश मीणा की जन सुनवाई में लोगों की भीड़ थी? ऐसा है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब के निर्देश अनुसार जो जन सुनवाई हो रही है, तो हमने विभिन्न जिलों का दौरा किया और दौरे पर जब लोगों से जन सुनवाई जिलों में भी की, तो वहाँ पर जो हमने निस्तारित किया और जो काम लोग आते हैं, चाहे हमारे घर पर रेजिडेंस पे आए, चाहे हम करौली निवास करते हैं वहाँ आए, या PCC की जन सुनवाई हो, तो हमारी कोशिश रहती है कि उनकी समस्या का समाधान तुरंत मौके पर हो और निस्तारण हो। और उसके लिए हम एक प्लान बना रखा है हमने कि भी ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में समस्या का समाधान हो, उसके लिए हम पूरा प्रयास करते हैं कि कलेक्टर लेवल की है, SDM लेवल की है, या मंत्री लेवल की है, ACS लेवल की है, या CM लेवल की है, उसी प्रकार उसको हम परस्यू करते हैं, तो लोगों के काम होते हैं और काम होते हैं तो विभिन्न जिलों के लोग आए। मेरे विभाग की तो कम समस्याएं, क्योंकि हमने दौरे किए हैं और रोजाना की हम मॉनिटरिंग करते हैं, तो हमारे विभाग में तो कुछ लोग हैं जो सिर्फ नाम जुड़वाने के लिए भामाशाही योजना का लाभ लेने के लिए आते हैं, बाकी कोई समस्या ज़्यादा विशेष नहीं है। कभी कभार कोई कंप्लेंट आती है डीलर की, तो हम तुरंत उसका निस्तारण तुरंत ही करते हैं, लेकिन जिस प्रकार अन्य विभागों की जो भी समस्या आ रही हैं उनका निस्तारण करने का हमारा प्रयासरत रहते हैं। और जो भी समस्याएं इस बार आई, पानी की आई, बिजली की आई, सड़क की आई, स्वास्थ्य विभाग की आई, तो कुछ समस्याएं दो या तीन बार रिपीट हो गई, तो उस बारे में हमें अभी माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करनी पड़ेगी। SC ST के कोई मुकदमे थे, 2 अप्रैल की जो घटना हुई थी 2017 में, तो उनका निस्तारण नहीं हो पाया है, तो इस बारे में हमने चिट्ठी भी लिखी है माननीय मुख्यमंत्री से। कुछ विधायक और कुछ मंत्री भी मिले थे और मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि जो 2 अप्रैल की घटना हुई है उसकी हम समीक्षा करा रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, तुरंत उसको वापस लिया जाएगा। तो इस संदर्भ में 2-3 बार लोग आ गए हैं, तो इस बारे में हमें माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करनी है। जन सुनवाई में जो सबसे बड़ा मुद्दा जो आता है, अधिकांश जो समस्याएं आती है कि लोग जन सुनवाई में समस्याओं से ज़्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करने लगा आते हैं। अभी नहीं है, अभी ट्रांसफर पोस्टिंग के इसलिए नहीं आ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि अभी वैन लगा हुआ है, अभी तो सिर्फ कोई आती है विशेष बात, तो कोई विधवा महिला है या कोई कैंसर पीड़ित है या कोई इस तरह के जो भयंकर बीमारी से ग्रस्त है, मतलब विशेष रूप से जो लोग आ सकते हैं कि भाई हम ज़्यादा परेशानी में हैं, तो भाई हमारी मदद करवा दो, वैन लगा हुआ है, ट्रांसफर दो, कहीं डेपुटेशन करवा दो, पर ये कोई कैसे से अभी जन सुनवाई में नहीं आ पा रहे हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो जो समस्याएं हैं, जो लोगों की वास्तव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वो समस्याएं हमारे आ रही हैं। अधिकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, वो समस्या आ रही है। अवैध बजरी का दोहन हो रहा है, पुलिस की मिली भगत से हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो उनके बारे में हमने संबंधित SP से भी बात की है और अभी जब भी मीटिंग होगी नेक्स्ट मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे कि 2-3 विभागों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कुछ अधिकारियों की वजह से, तो उन समस्या का निराकरण कैसे हो सकता है, तो इस पर हम विचार कर रहे हैं। ये जो जन सुनवाई में जो लोगों की शिकायतें आती है उनका निस्तारण भी होता है या केवल उनसे वो जो शिकायती पत्र है वो लेके रख लिया जाता है? हम तो सबसे पहले उससे चर्चा करते हैं, संबंधित विभाग के अधिकारी को फोन करते हैं और वो विभाग का अधिकारी सेटिस्फाई जवाब नहीं देता है तो ऊपर जो ACS जो बैठे हैं, हमारे जो IAS अधिकारी हैं, सीनियर हैं, उस विभाग के सेक्रेटरी हैं, प्रमुख शासन सचिव हैं और संबंधित विभाग के मंत्री से भी तुरंत बात हम करते हैं कि ये समस्या का समाधान कैसे हो। तो हमारी कोशिश रहती है कि करीब 50% या 60% बेटर तो हमारे उस समय ही मौके पर ही निस्तारित कर देते हैं। कुछ चीज़ें हैं कि भाई प्रावधान है, प्रोसीडिंग में टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम चिट्ठी लिखते हैं, संबंधित विभाग के अधिकारी से भी बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि संबंधित जो फरियादी हमारे पास आया है
तो सामने वाले से टाइम लेके भाई ये कब भेजें, कब बात होगी। चिट्ठी तो भेजेंगे ही, उसके बाद इनकी सुनवाई भी करो और इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है और इसका जवाब भी दें, तो ये अधिकारियों को हम निर्देशित भी करते हैं। मंत्री रमेश मीणा का जो जनसुनवाई का जो ये सिस्टम है और जिस तरीके से वो जनसुनवाई करती हैं, इसी का कारण है कि राजस्थान के जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जो जनसुनवाई हुई है उसमें सर्वाधिक समस्याएं या सर्वाधिक ज्ञापन जो है वो इन्हीं की जनसुनवाई में आती है और निस्तारण जो है वो भी हाथों हाथ ऑन द स्पॉट करते हैं। नमस्कार।